नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाए जाने में हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री के निगरानी में मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई टीम क्यूआरटी कैंप जनपद के विकास खंड विलंगना के राजकीय इंटर कॉलेज डांगी नैल चामी में उप जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें 97 शिकायतें मांगे दर्ज की गयी, जिसमें खंड स्तर की 2 दर्जन से अधिक शिकायतों का निस्तारण एसडीएम के द्वारा मौके पर ही किया गया। शेष जिला स्तरीय शिकायतों एवं मांग जिला स्तर अधिकारी और जिलाधिकारी को प्रेषित किए जाने की बात उप जिलाधिकारी द्वारा कही गई। कैंप में नैलचानी पट्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त मांग पत्र में मांग की गई कि विगत 20 वर्षों में आई अलग अलग आपदाओं के दौरान क्षेत्र की पेयजल लाइन तथा सिंचाई गुले का भी निर्माण किया जाए। इस पर सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि शासन को डीपीआर बनाने कर भेज दी गई है, स्वीकृत होते ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं नैलचामी नदी के दोनों ओर भू कटान के कारण कृषि भूमि क्षति हो रही है, जिससे तो सुरक्षा दीवार की मांग की गई। मांग पर संबंधित विभाग द्वारा बताया गया कि डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। नैलचामी में डांगी में बने पशु सेवा केंद्र पिछले 10 वर्षों से अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित विभाग को स्थानांतरित नहीं किया गया है। इस पर संबंधित कार्यदायी संस्था ने बताया कि आपदा के दौरान भवन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे पुनर्निर्माण हेतु धन की मांग की गई है और धनराशि प्राप्त हो गई है। निर्माण कर संबंधित विभाग को भवन सौंपा जाएगा। मूलगढ़ में मिनी स्टेडियम की मांग पर जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग के पास इस प्रकार की कोई मत नहीं है। जिन जगहों पर स्टेडियम निर्माण कराए जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। क्षेत्र में बैंक शाखा खोले जाने पर एसडीएम ने बताया कि इस संबंध में एलडीएम से वार्ता की जाएगी। वह उप जिलाधिकारी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को समय पर किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। जंगली सुअरों द्वारा फसल के हो रहे नुकसान पर वन विभाग द्वारा बताया गया कि संबंधित फॉरेस्ट गार्ड को सूचित कर ताकि वन विभाग और राजस्व विभाग की तरफ से संयुक्त टीमें गठित कर निरीक्षण किया जाएगा और मुआवजा भी दिया जाएगा। यदि कहीं पर तार बार की आवश्यकता होती है तो वन विभाग इस पर काम कर सकता है। सिवर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि की शिकायतें दर्ज की गई। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।